स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। कुछ ये क्या है, क्यों कर रही हूँ सब? वो केक में एक लाइन ने भिजवाया था। हम जानते हैं अर्नव जी, लेकिन आपने ही तो कहा था आप अपना जन्मदिन मनाना नहीं चाहते। आई नो, और ये बात सुबह से बहुत बार सुन चुका हूँ मैं। हाँ, मुझे अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना है, लेकिन मेरी वाइफ होने के नाते तुम एक बार मुझे विश तो कर सकती थी। हाँ, मुझे कोई बर्थडे पार्टी नहीं चाहिए, लेकिन शादी के बाद मेरा पहला बर्थडे, कम से कम इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ कि तुम मेरे साथ कुछ वक्त बिताओ। और तुम मुझे एक ही बात लेकर बैठी हो। हाँ, बैठ के लेकर एक ही बात, क्योंकि वो बात आपने कही है अर्नव जी, और हम आपकी किसी भी बात को टाल नहीं सकते। आप ही ने तो कहा था ना, ना कोई केक, ना कोई जलसा, ना कोई आपको जन्मदिन की बधाई देगा। अब जब वो सब हो रहा है तो आप नाराज क्यों हो रहे हैं? आपको क्या लगता है हम आपका जन्मदिन मनाना नहीं चाहते थे? खाने से लेकर मेहमानों तक सारी तैयारियां हो गई थी, इतना कुछ सोचा था हमने, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया ताकि सब कुछ आपकी खुशी के मुताबिक हो। अर्नव जी, हमने आपके लिए खुद को कितना बदल दिया। अगर आप कुछ देर के लिए अपनी खुशी हमारे साथ बांटते तो आपका क्या बिगड़ जाता? आप हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते? शायद हमें आपसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद है। हेलो भाई, बाय बाय। हम सब लोग तो उहे करत रहे जो पार्टी साड़ी हमको करे के लिए बोली रही। कोई भी तो अर्नव बेटो के हैप्पी बर्थडे विश नहीं किया है, अब फिर भी ये पार्टी साड़ी काहे अपसेट आ गई है? हमें लगता है मामी, खुशी जी जो करना चाहती थी ना, उसका शायद उल्टा हो गया होगा। हमें लगता है कि अब भी वक्त है, हमें छोटे को जन्मदिन की बधाई देनी चाहिए। का पता उन्हें लग रहा होगा कि किसी ने उन्हें बधाई काहे नहीं दी। नन्नव मेरे भाई, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे अर्नव बिटू, हेलो हाय बाय बाय। छोटे, भगवान करे ये दिन तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक्स दी। छोटे, जन्मदिन मुबारक हो। खुशी बिटिया, आप भी बैठ जाइए खाने के लिए। नहीं नानी जी, हमें भूख नहीं है। छोटे, ये आप ठीक नहीं किए। खुशी बिटिया आपका जन्मदिन मनाने के लिए ढेरों सारी चीजें सोच के रखे रही, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकी, कहे कि आपको पसंद नहीं। पर आप उन्हीं पे गुस्सा हो गए।
सो झगड़ा दोनों में भाई, ये लड़कियां कितनी अजीब होती हैं ना। आई मीन कब मिले थे, कब क्या किया था, कब क्या नहीं किया था, सब उन्हें याद रहता। और फिर उसके बाद वो सारे दिन उनके साथ बैठ के बनाओ। एक्चुअली ये ना इन लड़कियों का तरीका है अपना प्यार निभाने का, अपना प्यार जताने का, ताकि हमें ये बता सकें कि वो हमसे कितना प्यार करती हैं। कभी कभी थोड़ा ज्यादा हो जाता है, नहीं? हाँ, लेकिन अगर ये लड़कियां हमें प्यार नहीं करती तो हम लड़के कुछ इनके बिना बिल्कुल। हाँ भाई, हम छोड़ के आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आकाश, ये लड़कियां, सीरियसली ये लड़कियां, हाँ आई सी यू आकाश, आई एम नॉट गुड विद दिस सिचुएशन। मैं क्या करूं? मुझे ज्यादा आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, हम सुने रहे कि शादी के बाद मिस्टर एंड मिसेस शेम टू शेम दिखत है, बट यहाँ लुकिंग तो ना ही लेकिन कुकिंग शेम टू शेम चलत है। मामी, हमें लगता है छोटे कुछ तलने की कोशिश कर रहे हैं। तराई तू भराए, हेलो हाय बाय बाय। हम छोटे की मदद करते हैं। दीदी, मियां बीवी के बीच की बात है, करने दीजिए जो कर रहे हैं भाई। ये क्या है?
आज मैं अपसेट था तो मैंने वही किया जो तुम करती हो जब अपसेट होती हो तो। जब हम परेशान होते तो हम जलेबियां बनाते, आप थोड़ी जलेबियां बनाएंगे। आपने जलेबी बनाई? ये जलेबी है। बहुत अच्छी है। एक मिनट, अपनी आंखें बंद कीजिए, कुछ मांगे और फिर मोमबत्ती बुझाइए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे अर्नब सिंह रायजादा, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत अच्छी है। एक मिनट, लेकिन आप तो खा नहीं सकते ना? थोड़ा चलेगा। ये तो बहुत गंदी है, तुम ये कैसे खा सकती हो? आपने बनाई इसलिए। जी, आप ये कैसे खा रहे हैं? ये कितना बेकार है। क्यों, तुमने बनाया मुझे अच्छा लगा? खुशी, I'm sorry, मैंने जो किया मुझे नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं वादा करता हूँ मेरे अगले बर्थडे पे तुम जो करना चाहो कर सकती हो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। और हमारा जन्मदिन? मैं करूंगा, मैं तुम्हें विश करूंगा। अर्नब जी, जब हम दोनों इस तरह लड़ते हैं ना तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे भी अच्छा नहीं लगता, फिर तुम्हें मनाने के लिए जलेबियां बनानी पड़ती हैं, वो इतनी गंदी बनती हैं। और हमें खानी पड़ती है। By the way, मेरा गिफ्ट लाई हो या गुस्से में भूल गई? अरे ऐसे कैसे नहीं लाएंगे, याद है हमने आपसे कहा था इंतजार का फल मीठा होता है। Okay. जल्दी कीजिए ना। रहने दीजिए, एक काम कीजिए, आप इसे पहन लीजिए, हम आपको इसमें देखना चाहते हैं। जाइए जाइए। खुशी, मुझे नहीं लगता ये फिट होने वाला है। टाइट है या लूज है? थोड़ा टाइट ही लग रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत लूज तो हम करवा देंगे, आप पहन के तो बाहर आइए। नहीं पहन पाऊंगा। नहीं पहन पाएंगे, थोड़ा कोशिश तो कीजिए। अच्छा एक काम कीजिए, आप बाहर आइए, हम आपकी मदद कर देते। आइए। कैसे हो गया, हमने तो आपका नाप भी लिया था। Excuse me? नाप? When? कल। और आपकी बाजुएं?
ये तो सलमान खान जी को भी मात दे दे। ओह, तो चौड़ी छाती, सलमान जैसे आर्म्स, आई गेट इट। फिर इसका क्या करें? अब क्या करेंगे? दर्जी को वापस कर देंगे। एक तो इतना महंगा कपड़ा था, ऊपर से बचा हुआ कपड़ा भी नहीं दिया। I think कि उसने बचे हुए कपड़े का ही बनाया। चोर कहीं का, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। Okay, okay. इस सब में तुम कुछ भूल नहीं रही हो। हैप्पी बर्थडे अर्णव जी। तुमने ठीक कहा था, सबर का फल मीठा होता। क्या है मैडम? हाँ, आपने हमारा कपड़ा खा लिया और हमें ये छोटा सा सूट भेज दिया। इतना बड़ा दुकान और इतनी छोटी सी हरकत, छी। छोटा साइज? क्या कह रही हैं आप? हाँ छोटा, हमने आपको एक हट्टे कट्टे आदमी का नाप दिया था और आपने हमें छोटे बच्चे का सूट भेज दिया। शर्म नहीं आती आपको? पता नहीं मैडम, ये गलती कैसे हो गई। मैडम एक मिनट, ये सूट किसके नाम पे था? अर्णव सिंह रायसादा, ASR। यस। कौन बोला? आपने मुझे बुलाया? नहीं बेटा, हमने ASR कहा। हाँ, तो वही तो मेरा नाम है, ASR। हमने ASR कहा। हाँ, तो वही तो मेरा नाम है, ASR। पर आपने गलत सूट भेजा है। ASR, ओ, समझ गया। मैडम ये सूट बदल गए हैं क्योंकि दोनों का नाम एक ही है, इसलिए ऐसा हो गया। हमने तो होम डिलीवरी करवाई, लेकिन इन्हें तो लेते वक्त चेक करना चाहिए था। हाँ मैडम। बेटा आपकी मम्मी कहाँ है? मम्मी से आपको क्या काम है? वो क्या है ना, तुम्हारी मम्मी ने गलती से हमारा सूट ले लिया, इसलिए। सूट मैंने खोल लिया था और वो भी आपके लेने के बाद। गलती मेरी नहीं है और कभी नहीं होती। आपको सूट मिलते ही चेक करना चाहिए था और इन्हें बताना चाहिए था। सॉरी, आपकी वजह से मुझे गलत सूट मिला। और वैसे भी ऐसे ओल्ड फैशन कपड़े पहनता नहीं हूँ। अच्छा, अगर तुम्हें चेक करने का इतना शौक था तो अपना पैकेट चेक क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं बिजी था। अगली बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या है तुम्हारा कि तुम बिजी थे? हम क्या फालतू बैठे? देखो बच्चू, मैं बच्चा नहीं हूं, मैं ASR हूं।
मेरा सपना। Thank you.